महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। नामांकन के अंतिम दिन सभी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हलफनामा दाखिल किया है। इसके अनुसार फडणवीस के पास शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे से भी कम पैसा है। इतना ही नहीं, फडणवीस के खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं है। हालांकि उनके खिलाफ 4 निजी शिकायतें हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को जमा किए हलफनामे में CM देवेंद्र फडणवीस के पास 3.78 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि 17,500 रुपए नकदी है। इसके अलावा उनके बैंक खाते में 8,29,000 रुपए जमा है। साथ ही फडणवीस ने 2,33,00,000 रुपए में शेयर में निवेश किया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे और उम्मीदवार आदित्य ठाकरे के नामांकन पत्र के मुताबिक उनके बैंक में 10,36,00,000 रुपए हैं, जबकि 4.67 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। साथ ही उनके पास 97,00,000 रुपए मूल्य के बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड और 1 करोड़ रुपए मूल्य के जेवर हैं। इसके अलावा 10,22,000 रुपए के दूसरे निवेश और 13,344 रुपए कैश है। इस तरह ठाकरे परिवार के वंशज आदित्य ठाकरे के पास 16 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आदित्य ने वकालत की पढ़ाई की है और व्यापार को अपना पेशा दिखाया है। उनके पास 6,50,000 रुपए कीमत की 2010 में पंजीकृत हुई BMW कार है। उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर साल 2018-19 में 26,30,560 रुपए का इनकम टैक्स भरा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होना है। इसके बाद 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।